तो हम आए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, जो कि बहुत ही हार्ड है यहाँ पे, क्योंकि इंक्लाइन मज़ा भी आ रहा है, सब मज़ा भी आ रहा है। हाँ मैं किसको पूछ के आ गया मैं यहाँ क्यों आया? पर अमेजिंग व्यू, सनराइज देखा था, लुक एट दिस सनराइज। हमें शक्ल नहीं दिखी होगी आपको क्योंकि अंधेरा बहुत, दिख जाएगी वैसे ही 12 बजे। ये इसका क्या नाम है? चंगली। ये इसका बॉयफ्रेंड है? नहीं कर रहा यार मैं तेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं कर रहा। जा तू चले जा, मिस्ट्री का आशिक। तो ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये है मैक्लोडगंज और हम हैं ऊपर उससे। ये ऊपर एक जगह नड्डी, तो हम नड्डी से हिल्स पे हैं और ये पूरा ये पहाड़ है मैक्लोडगंज, बेसिकली इतना सा पहाड़, वहाँ थोड़ा सा और जाके बस। और सनराइज देखो, अमेजिंग। ये क्या कर रहे हैं? मैं आगे आ गया हूँ, ये तीन लोग रेस लगाने वाले। सर बोल रहे जितनी जान है उतनी लगा दो, देखते कौन पहुँचता है, कौन रुकता है बीच में। रेडे और कैसा सर जी, बहुत तेज गति से दौड़ते हुए 100 मीटर का स्प्रिंट। यस कोई ऑर्डर ले जाओ भाई, एम्बुलेंस बुलाओ। हाय रब, चलो। तो ये मैडम बना रही है हमारे लिए बैंगन का भरता। बैंगन का दंता क्या बन रहा है? बैंगन का भरता, ये है बैंगन जिसको हमने बहुत मस्त रोस्ट किया है और अभी हम इसके कपड़े उतार रहे हैं। उतारो, नेकेड करो उसको। यस, ये है हमारे नेकेड बैंगन, इसको अभी हम ये सेव बैंगन हैशटैग जस्टिस फॉर बैंगन खाना वो खा लिया उसमें, इतना नहीं खाता। ये देखो डाइट के नाम पे यहाँ पे दूध चल रहा है, शुद्ध शाकाहारी। तो ये एक बार आज आपको रेसिपी बताएंगे, ये एक बार बैंगन रोस्ट कर ले। मैडम वहाँ भी जाना है, लकड़ी लाने चूल्हा बनाएंगे, ठीक है कल से हम ही से। देखिए यहाँ पे बन रहा है खाना, ये सर जी बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, फिर उसके बाद रोटी बनेगी ताजी, और फिर हम ताजी रोटी खाएंगे, है ना सर? जल्दी गूंदिए, जल्दी अभी गूंद देंगे सब। आराम से, क्या हुआ? हाय बोल, हाय हाय। हाँ चलो, तो ये हमारी गाइड आज के लिए। हम लोग रुको, टेढ़ा हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं लकड़ी लेने बॉनफायर के लिए। आप वहाँ से निकल सकते हो, हम नहीं निकल पाएंगे। आयो जहाँ, तो भैया ताबड़ तोड़। चलो आगे, एक मिनट, जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ से। तो ये हम लोग ट्रैकिंग की तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस पहले, हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पहुँच भी पाएंगे कि नहीं। तो पीछे पीछे ध्यान से भाई, कैमरे कुछ हो गया तो दोनों किडनियां जाएंगी, कोई कम पड़ेगा। ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमें जबरदस्ती ऐसे रास्ते से ला रही है ताकि हमारी बैंड बच जाए? बोतल नहीं उठाना है हमको, हमको लकड़ियां उठानी है।
कहाँ है लकड़ियाँ? हमारी लव स्टोरी 4 साल पहले हम एक रुको हाँ 4 साल पहले हम लोग एक ट्रेनिंग बैच में मिले थे पिछले आईटी कंपनी में। तो उस बैच में ये सबसे लेट आता था और बहुत हाफता हुआ आता था और पूरी शर्ट पसीने में गीली। अच्छा ओके ओके। सब लोग सबसे बात करते थे लेकिन ये किसी से बात नहीं करता था। क्यों पता नहीं क्यों। तो फिर मेरे को ऐसा खुजली हुई कि भाई क्या है, आई वॉन्ट टू नो दिस पर्सन, मतलब वाई डजंट ही टॉक टू एनीबडी। तो उसके बाद एक दिन ना मैं जान पूछ के एक डाउट लेके गई कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज समझाओ ना। तो ये मेरे डेस्क पे आया और पूरे टाइम ये मेरा डाउट सॉल्व कर रहा था एकदम डेडिकेटेडली। और मैं एकदम कमीनी लड़की, मैं सिर्फ इसको देख रही थी हेड टू टो। उसके बाद मुझे पता चला कि ये टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। अच्छा। तो इससे पहले कोई इसको हड़प ले तो आई जस्ट गॉट अ चांस। ओके। तो एक दिन ऐसा हुआ ऑफिस के बाद ये मेरे को स्टेशन छोड़ने आया, मतलब अपेरेंटली हम दोनों ट्रेन से ही जा रहे थे। तो मेरा ट्रेन एक दूसरे रास्ते में जा रहा था और इसका दूसरे रास्ते के लिए था। बट ही मेड श्योर कि मैं ट्रेन में बैठू। पीछे मुड़ के देखा कि वो है कि नहीं, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही वुड स्टे टिल आई एंटर द ट्रेन, बट जैसे ही पीछे देखा ना वो वहीं था। और उस समय मुझे लेजिट प्यार हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने जाके बहुत आज कितने साल हो गए? 4.5 years अब इनके पास जाते हैं। ये तो थी इनके साइड की स्टोरी। अब इनके साइड की स्टोरी सुनते हैं क्या हो रहा था। अरे वो जब समझा रही थी आप, वो बताओ ना वाला सीन। तो उस बैच में ये सबसे लेट आता था और बहुत हाफता हुआ आता था और पूरी शर्ट पसीने में गीली। अच्छा तो तुम्हें इसका गीला पसीना देख के प्यार हुआ? पहले क्रश हुआ पसीने से। हाँ मतलब वो ऐसा मेरे को कि मेरा पसीना नहीं निकलता, इसका इतना पसीना निकलता है। ऐसा कुछ चल लेगा तो पसीना इसने काट दिया। थोड़ा सा ये देने के लिए स्टोरी में कुछ भी बोल देती। ऐसा बोलना हम मिले थे जंगलों में, वो ऐसे टार्जन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसे बैठ जाओ। हाँ फिर आपके साइड की स्टोरी सेम। हमारे साइड मेरे साइड की ऐसी है कि बस श्रेया के डाउट्स क्लियर कर रहे थे, साथ ही साथ और लड़कियों के भी डाउट्स क्लियर कर रहे थे। तो जो श्रेया को लग रहा था कि ये सिर्फ इनके डाउट को क्लियर कर रहे हैं, वो सबके डाउट क्लियर कर रहे थे। पर जब श्रेया को समझाया तब पता लग गया था आपको कि यार ऐसा होने वाला है। ये बहुत चेप बन रही थी उसके फिर कुछ नहीं छोड़ा ही नहीं पीछा इसने, और बाकी जो लड़के थे उनके साथ मेरा बात करना बंद करा दिया। अच्छा तो आप जाना चाहते थे? मैं तो फ्री बर्ड हूँ, मैं बहुत उड़ना चाहता था मेरे, पर पंख काट दिए गए। फिर वो ट्रेन वाला सीन, आप क्यों रुके थे वहां पे? मेरी ट्रेन बाजू में ही थी। ये है एक लव स्टोरी की हकीकत, देख रहे हैं? तो ये है असली हकीकत हर एक लव स्टोरी की, समझिए इस बात को। चलो अमेजिंग लव स्टोरी। अब हमारी बॉनफायर का आगे। बॉनफायर तो जला नहीं पाए क्योंकि आज ये व्लॉग आप तक पहुंचाना था, पर हाँ आज के दिन से समझ आया कि हमारे आसपास लोग नहीं है, हमारे आसपास हैं कहानियां। कुछ कहानियां हंसा देंगी तो कुछ कहानियां रुला देंगी, पर सच बताऊं ये कहानियां बहुत खूबसूरत यादें बना देंगी। देखते हैं आगे और कितनी कहानियां आती हैं हमारे व्लॉग में, तो बने रहिए हमारे साथ।